आप केवल ये सोच रहे हो कि इन चीजों के प्रयोग से आपके जीवन को नुकसान हो सकता है। जैसे कि अगर आप खाद या कीटनाशक खाते हैं तो ये आपके जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। इस विशेष फल में कितने ज्यादा सूक्ष्म पोषक तत्व होंगे, उसकी वजह से ये फल आपके स्वास्थ्य को कितना ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। लगभग हर देश में लोग इन तत्वों की कमी के शिकार हैं। केवल इस वजह से कि ये तत्व वहाँ की मिट्टी में नहीं है, इसलिए ये तत्व वहाँ उनके भोजन में नहीं है। अभी जब बाजार में उपज आती है, मान लीजिए अगर आप बाजार जाते हैं तो वे कहते हैं कि ये सेब जैविक है, तो दूसरे सेब क्या है? क्या वे अजैविक हैं? क्या ऐसी चीज होती है? तो अभी ये बहुत ही जटिल काम है, ये जांचने की कोशिश करना कि इस सेब के अंदर कितनी खाद है, कितने कीटनाशक या कीड़े मारने की दवाइयां हैं। मेरा विश्वास कीजिए, ये एक असंभव काम है, क्योंकि आप किस दिन इसका प्रयोग कर रहे हैं? जब इसमें फूल आ रहे थे तब आपने इसका प्रयोग किया, जब ये एक छोटा फल बन गया तब आपने इसका प्रयोग किया, जब ये एक बड़ा फल बन गया था तब आपने इसका प्रयोग किया। किस मौसम में आपने इसका प्रयोग किया? क्या उस दिन बारिश हो रही थी? क्या उस दिन धूप निकली हुई थी? ये सभी बातें निर्धारित करती हैं कि वास्तव में ये कितनी मात्रा में उपज के अंदर गया है। वास्तव में चीजों के बारे में नहीं, बल्कि आप ये सोच रहे हो कि इन चीजों के प्रयोग से आपके जीवन को नुकसान हो सकता है। जैसे कि अगर आप खाद या कीटनाशक खाते हो तो ये आपके जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। ये इस तरह से है कि आपको फल के बारे में चिंता है लेकिन जड़ों के बारे में कोई चिंता नहीं। मूलभूत सिद्धांत ये है कि मिट्टी में जैविक तत्व होने चाहिए, क्योंकि वही सूक्ष्म जीवों का भोजन होता है। इसके बिना हम उन्हें भूखा मार रहे हैं। अगर हमने उन्हें भूखा रखा तो एक दिन वो हमें भूखा रखेंगे, बस सवाल केवल समय का है। तो अभी मुद्दा ये है कि मिट्टी के जीवों को जिंदा रखा जाए, क्योंकि अगर वे जिंदा रहते हैं तभी हम जिंदा रहेंगे, क्योंकि हम केवल उन जीवों के परिणाम स्वरूप ही हैं। यहाँ तक कि विकास के संदर्भ में भी हम केवल उनके ही परिणाम स्वरूप हैं। तो जब बाजार में फल या सब्जी आए, उस पर जैविक होने का निशान लगाने की जगह और उसके अलावा जो भी है, अगर आप उस पर निशान लगाएं कि ये फल ऐसे खेत से आया है जिसका जैविक तत्व 3% है। अब यहाँ पर इतना विज्ञान है जो आपको बता सकता है कि अगर मिट्टी में जैविक तत्व की मात्रा 3% है तो इस विशेष फल में कितने ज्यादा सूक्ष्म पोषक तत्व होंगे, उनकी वजह से ये फल आपके स्वास्थ्य को कितना ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, आपके स्वास्थ्य को खराब होने से रोकने के लिए कितनी सारी चीजें हो सकती हैं। ये सब विज्ञान पहले से ही यहाँ है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों हम जो सूक्ष्म पोषक तत्व खाते हैं उससे जुड़े हुए होते हैं। अभी हम एक महामारी से गुजरे हैं, आपको किसी महान वायरस विज्ञानी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी सामान्य डॉक्टर से पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे कि अगर आपके अंदर विटामिन ए, B6, B12, फॉलेट, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम की कमी है तो आप फेफड़ों के संक्रमण के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाएंगे। ये बात सभी जानते हैं। अगर आप इसे दुनिया में कहीं भी देखें, लगभग हर देश में लोग इन तत्वों की कमी के शिकार हैं, केवल इसलिए कि ये तत्व वहाँ उनकी मिट्टी में नहीं है, इसलिए ये तत्व वहाँ उनके भोजन में भी नहीं है। अब मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा कि अगर मिट्टी अच्छी होती तो महामारी नहीं हुई होती। निश्चित रूप से इसकी वजह से इतना भय का माहौल नहीं हुआ होता जितना कि हुआ था अगर हमारा शारीरिक संगठन मजबूत होता। और मजबूत शारीरिक संगठन का बनना एक दिन का काम नहीं है, और ये जिम जाने से नहीं बनता है, ये बनता है सही तरह का भोजन खाने से और भोजन के द्वारा मिट्टी से जुड़े रहने से या किसी दूसरे तरीके से। अगर वो दूसरा तरीका संभव नहीं हुआ तो, क्योंकि हम शहरों में रहने वाले लोग हैं, लेकिन कम से कम भोजन में ये तत्व होने चाहिए।